हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस के घर में हो गई है एक नई सुबह। जी हाँ, सब घर वाले इस नई सुबह के साथ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हुए नजर आए। लेकिन ये क्या, देखिए अली गोनी और देबोलीना के बीच में ये क्या हो रहा है, वो भी सुबह उठते ही। वेल, हम आपको बताने वाले हैं कि देबोलीना भट्टाचार्य जी, जो एजाज की प्रॉक्सी बनकर घर में आई हैं, वो अब अली के करीब हो गई हैं। जी हाँ, अली की बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। लेकिन इन दो दोस्तों के बीच में आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या ये जैस्मिन को देखकर अच्छा लगेगा? जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं आखिरकार हुआ क्या है। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट गॉसिप एंड अपडेट। वेल दोस्तों, जब से देबोलीना भट्टाचार्य जी घर में आई हैं, वो तब से ही अली के काफ़ी क्लोज जाने की कोशिश कर रही हैं, या तो फिर ये कह लीजिए कि वो एजाज की प्रॉक्सी बनकर आई हैं। तो एजाज अली को बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए वो भी अली के काफ़ी करीब जा रही हैं। अब आज घर के अंदर का एक किस्सा ही देख लो। जी हाँ, घर के अंदर जब सब लोग उठ गए थे और अपने अपने ड्यूटीज़ पर लग चुके थे, वहाँ पर देबोलीना भट्टाचार्य जी और अली गोनी के बीच में कुछ चल रहा था। ये जी हाँ, ये क्या है, ये है एक प्यार वाला झगड़ा, जिसे कहते हैं पिलो फाइट। जी हाँ, घर के अंदर ये पिलो फाइट होते हुए नजर आई, जो कि अली गोनी और देबोलीना के बीच में हो रही है। यहाँ पर ये लोग अपने अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं और सभी लोग लिविंग एरिया में ही सोए थे, जहाँ पर देबोलीना ने अली के ऊपर पिलो फेंक कर मारा और जिसके रिटेलिएशन में अली ने भी उन्हें हंसी मजाक में पिलो देकर मारा। अब ऐसे में दोनों आपस में भिड़ गए और दोनों एक दूसरे को ऐसे टीज करते हुए नजर आए। इन दोनों के बीच में विकास गुप्ता भी आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जी हाँ, दोनों काफी देर तक पिलो फाइट करते रहे। वेल, ये पिलो फाइट जैस्मिन को कितनी अच्छी लगेगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन जो भी है, जैस्मिन और अली का रिश्ता है इतना अंडरस्टैंडिंग कि ये एक दूसरे के गेम को समझते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।